है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज के इस नए ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट एस टी टी पी सिक्योरिटी लाइक बिफोर स्टार्ट एस टी टी पी सिक्योरिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइक वॉट इज द एस टी टी पी एस टी टीपीएल का फॉर्मेट क्या है एस टी टी पी मेथड टाइप के होते हैं एस टी टी पी के स्टेटस कोड क्या है और जो एस टी टी पी के जो हेडर्स आते हैं जिसके लिए वीडियो है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो कि रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर आगे की यूजर एजेंट क्या है कंटेंट लेंथ क्या है एक्सेप्ट एंड कोडिंग क्या होती है या फिर रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर की कैश कंट्रोल क्या होता है कंटेंट टाइप क्या होता है

नाउ एचटीटीपी क्या कर रहा है आपको जो कि भी आपकी वेब एप्लीकेशन है कि वो कैसे वर्क करेगी सर्वर और क्लाइंट uh, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे सो so, ये सारा प्रोटोकॉल ध्यान रखता है एचटीटीपी नाउ एचटीटीपी वेबसाइट देखने के लिए आता है डब्ल्यू3 बाय टिम बैनर्स ली जो कि 1989 और 91 के बीच हुआ था ये एंड uh, इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है व्हिच इज योर एचटीटीपीएस नाउ एस लाइक योर सिक्योर प्रोटोकॉल जहाँ पे आपके इंटीग्रिटी पार्ट को कवर किया जाता है दट्स मीन जब भी डेटा ट्रेवल करेगा आपके वेब uh, एप्लीकेशन से या फिर आपके एस प्रोटोकॉल से सो इट शुड बी इनक्रिप्टेड दट्स दिस इज एक्स्ट्रा एस मीन HTTPS व्हिच इज योर सिक्योर

Uh, यहाँ पे आपके एस टी योर स्कीम यहाँ पे स्कीम बताता है कि लाइक प्रोटोकॉल लाइक यू आर यूजिंग राइट नाउ सो दिस इज द सिंपल इंस्ट्रक्ट क्योंकि यहाँ पे आपके uh, हो सकता है एफ टीपी आप यूज में ले रहे हो एस टी टी पी एस ले रहे हो एस टी टी पी यूज ले रहे हो सो दिस इज योर स्कीम देन सेकेंड वन इज यूजर नेम एंड पासवर्ड सो लाइक सम सर्विसेज रिक्वायर ऑथेंटिकेशन टू लॉग इन एग्जाम्पल यो so, वो एफ टी के पे भी आपके यूजर आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट सो यहाँ पे यू कैन सी एट द रेट आप यहाँ पे यूज में ले रहे uh, so, हैं रेफर किया है ट्राहेकमी बुक से सो so, ट्राहेक यहाँ पे मुझे कर रहा है कि होस्ट या डोमेन नाउ यहाँ पे आपके सबडोमेन भी आ सकते हैं लाइक www.tryhackme.com या फिर beta.alpha.tryhackme.com एंड देन कोलन के बाद योर पोर्ट नंबर सो पोर्ट नंबर हमने पहले के वीडियोस में भी देखा है कि पोर्ट नंबर कैसे वर्क करते हैं सो पोर्ट सर्विस एंड प्रोटोकॉल्स ये समझ सारी चीज देख ली अब जो http है वो डिफॉल्ट अप पोर्ट यूज में लेता है 80 के या 443 लेता है आपका https के सो so, यहाँ पे हम स्पेसिफिक मेंशन कर देते हैं जैसे की कंटेस्टिंग के टाइम पे अगर आपको टेलनेट देखना हो सो यू कैन यूज लाइक फॉर टेलनेट नाउ आफ्टर द स्लैश यू कैन सी द व्यू रूम सो व्यू रूम इज बेसिकली अ पाथ सो यहाँ पे वेबसाइट के बाद में कुछ एक फोल्डर रखा हुआ है कुछ एक फाइल रखी हुई है वो यहाँ पे मेंशन की जाती है सो पाथ कैन बी लाइक फोल्डर और फाइल सो हमारे इस केस के अंदर व्यू uh, रूम उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क करके एक आईडी लिखा हुआ है, mean, नाम का एक है strength, जो कि आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल आईडी डी वन पे कुछ एक एक्शन परफॉर्म होने टू पे अलग होने हैं थ्री पे अलग होने फोर पे अलग होने हैं या फिर मान लेते हैं एक पे आपके यूजर वन है सो so, दो पे यूजर टू हो सकता है थ्री पे कुछ और हो सकता है सो so, दिस इज दर क्वेरी स्ट्रिंग जो कि वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू uh, को होल्ड करके रखता है एंड लास्ट वन इज योर फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट हो सकता है जैसे hash लगा task है सो so हो सकता है एक आपकी स्ट्रेटिक वेब एप्लीकेशन है जहां पे आपने फर्स्ट पे क्लिक किया तो स्क्रोल होके वो हो उसी पेज पे डायरेक्ट यहाँ पे आपकी शो कर देता है सो दिस इज योर फ्रेगमेंट पार्ट सो लाइक दिस इज दिंपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ लाइक एनी यू आर एल Now we'll move on HTTP methods. अब HTTP methods uh, basically आपके uh, uh, data को travel करने के काम में आते हैं। So it can be through like GET method, it can be through POST method. So दोनों में uh, differences होते हैं जैसे GET method के अंदर जो भी हमने URL का example देखा लाइक user_id equal to

आपके हुई है सो दिसल द्लाइंट वॉज सक् थ्री हंड्रेड टू थ्री नाइन टू योर यहाँ पे आपके सारे रिडायरेक्ट हो रहे हैं uh, एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट पे uh, या फिर डिफरेंट वेब पेजेस पे देन पे पे, uh, पे पे पे, 400 हंड्रेड टू फोर नाइनटी नाइन फॉर क्लाइंट एरर्स ये मल्टीपल क्लाइंट एरर हो सकती है लाइक like,

नाउ वी कैन सेग्रीगेट लाइक फॉर लाइक स्टेटस लाइक कॉमन एस टी टी पी स्टेटस कोड के अंदर कि टू हंड्रेड देखते हैं हम लोग uh, okay, यहाँ पे आपने किसी वेबसाइट पे विजिट किया और वो सक्सेसफुली आपके पास यहाँ पे मिल गई दैट्स मीन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा एस टी टी पी का वो आएगा आपका टू हंड्रेड सो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है 201 जीरो वन इज फॉर क्रिएटेड फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट uh, किया है तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हेज बिन क्रिएटेड सो यहाँ पे रिसोर्सेज बने हैं तो इसमें यहाँ पे 201 जीरो आ रहा है 301 जीरो वन इज फॉर परमानेंट रिडायरेक्ट दैट्स मीन द क्लाइंट ब्राउजर टू अ न्यू वेब पेजेस और टेल सर्च इंजन दैट द पेज हैज मूव्ड समवेयर एल्स एंड लुक इनटू इंस्टेड सो so, यहाँ पे जो नए पेज पे है वहां पे परमानेंटली यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है देन अगेन टेम्प्ररी रिडायरेक्ट सो so, टेम्प्ररी रिडायरेक्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आ, सिर्फ आपके सजेशंस के बेसिस पे आ रहे हैं कि सिमिलर है परमानेंटली रिडायरेक्ट की जगह ही बट यहाँ पे जो रिडायरेक्शन हो रहा है वो आपका टेम्प्ररी हो रहा है देन फोर हंड्रेड रिक्वेस्ट फोर नॉट ऑथोराइज कि आपके पास आ, proper authorization mm -hmm. nahi hai 403 is for forbidden now we can see uh, ki jo bhi aapke paas 400 ki jo puri series thi which is for client uh, error so client error se related yahan pe aapko dikh jayega ki like uh, not authorized forbidden methods not allowed that's mean uh, कुछ एक एप्लीकेशन है जो कि पोस्ट मेथड से चलती है और आप उसको गेट मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपके एरर देगा फोर ओ फाइव का इट्स मेथड्स आर नॉट अलाउड। देन पेज सबसे स्टेटस कोड, आपको दिख जाता है कि इंटरनल सर्वर एर की बताता है आपके पास अभी सर्विस है ही नहीं या फिर ये ओवरलोड हो चुका है या फिर अंडर मेंटेनेंस पे है

जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज आ रहा है सो फर्स्ट वन इज होस्ट सो होस्ट का मीन क्या हो गया जब जबकि सर्वर जब हम यूज में ले रहे होते हैं सो सर्वर मल्टीपल वेब एप्लीकेशन होल्ड करके रखता है नाउ होस्ट वहां पे डिफाइन करता है कि लाइक विच एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड

आप जाके चेक कर सकते हैं कि यूजर एजेंट होता है आपका कि जो भी आप ब्राउजर यूज में ले रहे हैं उसका वर्जन क्या है कुछ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहे हैं आप तो ये सारी डिटेल्स आपके यूजर एजेंट की होती है जहां पे आपको पता लग जाता है तो क्योंकि जब भी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर पाती है कि जो आपने वेब एप्लीकेशन ओपन करी है ये मोबाइल में ओपन हुआ है या फिर टैबलेट पे ओपन हुआ है लैपटॉप पे ओपन हुआ है या फिर किसी बड़ी स्क्रीन पे क्योंकि सबका यूजर एजेंट अलग है नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट लेंथ सो कंटेंट ले जाता है इन सच एन ए फॉर्म सो कंटेंट लेंथ बताता है सर्वर को ताकि वो एंश्योर कर सके की कोई डेटा मिस तो नहीं हो गया है सो so जभी भी डेटा जा रहा है फोर्म के अंदर वहां पे उस लेंथ को फिक्स करके बताया जाता है इन योर रिक्वेस्ट पार्ट एंड यू कैन लाइक अल्टर ऑल्सो टू फाइंड लाइक मोर वनबिलिटीज यहाँ पे आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं so, नाम से ही है कि accept encoding, that's mean पे आपका डेटा को कंप्रेस uh, किया जाता है और ताकि जब भी डेटा ट्रांसमिट करे ओवर द इंटरनेट तो वो स्मॉलर पार्ट के अंदर चला जाए ताकि आपका जो ट्रांसमिशन है वो ईजी हो नाउ नेक्स्ट इज कुकी सो कुकी का नाम ऑलरेडी आपने सामने ही होगा कि जब भी डेटा सेंड किया जाता है सर्वर को सो so कुछ एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करके रखी जाती है तो ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर आप कुछ इश्यूज वगैरह ना हो सो so वहां पे कुकीज क्रिएट कर दी जाती है एंड इट कुकीज कैन बी लाइक यूनिक ऑल्सो या फिर डिपेंड्स ऑन द वेब एप्लीकेशन डेवलपर जो भी यहाँ पे यूज में ले रहा है नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर कॉमन रेस्पॉन्स हेडर्स सो कॉमन रेस्पॉन्स हेडर्स तो जैसा भी हमने रिक्वेस्ट देखा उन्हीं के बेसिस पे ही रेस्पॉन्स का भी देख लेते हैं सो फर्स्ट वन इज सेट कुकीज सो सेट कुकीज होती है जभी भी सर्वर से वापस से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होती है सो so, यहाँ पे सेट कुकीज के अंदर यहाँ पे फिक्स होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने आ, कुछ लॉगिन करने के लिए रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे आपके पास response आया तो रेस्पॉन्स का जो डेटा होगा होगा कुकीज 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 का सो यू कैन सी ऑन सेट सेट तो पे रिक्वेस्ट सॉरी रेस्पॉन्स सेक्शन के अंदर नेक्स्ट वन इज कंटेंट टाइप सो कंटेंट टाइप आपको बताता है कि कंटेंट uh, जो रिटर्न कर रहा है वो किस टाइप का है लाइक इज इट एस टी एम एल इज इट सी एस एसप्ट इमेज पी डी एफ पी

जो कि आपके सिक्योरिटी पर्पस से या फिर पेन टेस्टिंग पर्पस से या फिर इंटरव्यू पर्पस से भी आपके काम में आ सकता है कि ये कैसे वर्क करते हैं सो दिस इज द सिंपल वीडियो फॉर एस टी टी पी की एस टी टी पी क्या होता है एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं एस टी टी पी मेथड क्या है देन सिक्योरिटी हेडर्स क्या है एस टी टी पी स्टेटस कोड्स क्या है कोड का डिस्क्रिप्शन क्या है सो so, आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाय बाय